नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीजे बार वाले ट्रक ड्राइवर पर। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम इधर से करते हैं स्टार्ट। अभी हम अपने गांव में खड़े हैं और हमारा गाड़ी लोड हो चुका है मनाली के लिए। अभी हम जा रहे हैं मनाली, हिमाचल प्रदेश। और हमारी गाड़ी थोड़ा ब्रेक में डाउट हो रहा है आज मेरे को, ब्रेक की सेटिंग थोड़ी लो हो गई है। इसलिए देखिए, हमारे गाँव में ही मैकेनिकल है, उनके पास अभी करवाने आए हैं ब्रेक सेटिंग। अरे फ्रेंड्स, आज धूप इतनी हो गई, बहुत धूप हो रही है, इसलिए मैंने आज देखे गॉगल्स भी पहन लिए, चश्मा। देखिए मिस्त्री आ चुके हैं ब्रेक सेटिंग करने के लिए। और ये है इनका गैरेज, माँ लक्ष्मी मोटर गैरेज, नखत्राणा भुज हाईवे देवपरियक्ष, बिल्कुल हाईवे पर ही है। अगर आपको भी कोई काम काज हो इस रूट में तो मिस्त्री को कॉल करके मिस्त्री तुरंत आ जाएंगे आपकी हेल्प के लिए। हमारी गाड़ी का ब्रेक सेटिंग कर रहे हैं। फिर ले उतरे लिया थी अति उतरे ली मिस्त्री हाँ ब्रेक लागता इतना था। रिमोल रिमोल तो भाई देखिए, ब्रेक सेटिंग हो चुका हमारा और हमने पाइप लोड किया है मनाली के लिए। अभी जा रहे हैं गोइंग टू मनाली। देखिए 100 के पाइप है और हमारी गाड़ी में वेट भी पूरा आया है, 24 टन 600 किलो। और बेल्ट थोड़े ढीले हो गए थे, वो अभी टाइट कर रहे हैं क्योंकि मुंद्रा से भर के आया, तो मुंद्रा से यहाँ तक पहुँचे गाड़ी थोड़े बहुत ढीले हो ही जाते हैं। ये देखिए पाइप में इस बार हाइट वाइट कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर ही है माल। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमारे साथ ये देखिए लाला भाई, यही आता है हर बार जब भी गाड़ी लोड होती है दूर की, तो यही बंदा होता है मेरे साथ। ठीक है चलिए, तो वीडियो में बने रही आखिर तक और ये देखिए पूरा वीडियो। तो भाई ये देखिए देवपर में ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है हिरेन भाई का, हिरेन भाई ठक्कर उनके पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुके हैं। और डीजल भरने वाले भाई हमारे पड़ोसी ही है और मेरे सब्सक्राइबर भी है प्रवीण गरवा। ये देखिए डीजल भर रहे, क्या हाल है प्रवीण भाई? आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। देखिए डीजल भरने का चालू है और रेट अभी 2 रुपया कम हो गया है, देखते हैं हमारी गाड़ी में कितना आता है, 300 तो हो ही जाएगा। तो भाई अभी इधर माधापुर पहुंचे हाईवे पे और ये देखिए हमारे सब्सक्राइबर है अमित भाई, आशापुरा फैक्ट्री में जॉब करते हैं और अभी देखिए होमगार्ड में लगे हैं। होमगार्ड अरे होमगार्ड में भी इनका है जॉब। देखिए पार्ट टाइम ही अमित भाई हमारे फ्रेंड है और क्या सब्सक्राइबर भी है। क्या हाल है अमित भाई? आप सुनाइए क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो हम अभी जा रहे हैं मनाली, तो अमित भाई ने बोला कि मनाली जा रहे हैं, चलिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं, इसलिए अमित भाई आए हैं भुज हाईवे पे मिलने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, भाई बज चुके हैं सुबह के 10:30 और मैं अभी उठा हूँ, रात को 2 बजे सोया था और अभी हम भारतमाला पर पहुँच गए हैं। ये रहा देखिए भारतमाला हाईवे जिस पर हम अभी अभी चढ़े हैं। शिवनात्री से ही चढ़े हैं, जीवाना से इधर तक ही बना है, आगे तक नहीं बना है अभी पूरा। मैं जब ये कश्मीर जा रहा था तब भी इधर से ही चढ़ रहा था। तो भाई रात को सांचौर बॉर्डर पे हमारे साथ मतलब आरटीओ से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, झगड़ा कर दिया था क्योंकि अभी मार्च एंडिंग चल रहा है, आज 30 तारीख है, 30 है 31 है सॉरी 31 होगी आज, तो 31 तारीख
था मैंने गाड़ी, तो बोला कि 5,000 रुपया एंट्री नहीं है, ले लो गाड़ी ले लो पूरा तुम, अगर तुमको चाहिए तो। बाकी एंट्री वेंट्री कुछ नहीं है, ये पड़ा है गाड़ी, ये पड़ा है माल, तुमको जो भी लेना हो ले लो इसमें से, पूरा गाड़ी भी लेना हो तो ले लो। फिर रात को उधर ही सो गया मैं, क्योंकि रात को मैं अकेला ही था और कोई गाड़ियाँ भी नहीं थी। और सुबह जब उठा तब आरटीओ की हवा ऐसे हो गई ढीली कि मैंने उठते ही सीधा आरटीओ ऑफिस में गया और मोबाइल मैंने अपना चालू किया कि बोलता है बोलो अभी तुम, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ 500 रुपया एंट्री दे के छोड़ दिया हमको और हाथ जोड़ के विनती भी की मेरे से कि भाई तुम इधर से जाओ अभी। तो भाई यही आरटीओ और कानून का तंत्र थोड़ा है, सुधरना चाहिए हमारे लिए, ड्राइवरों के लिए। आरटीओ और पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, क्या करें, भारत देश है, सहना पड़ेगा। तो भाई अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, हम अभी ओसिया और बालोतरा के बीच में पहुंचे हैं, इधर खाना खाने के लिए रुके हैं। ये रहा देखिए होटल, इधर हम खाना खाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए भारतमाला हाईवे, दोपहर को गर्मी बहुत लग रही है, इसकी वजह से सूना हो गया है, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, लगा दिया है हमने अपना गाड़ी। और ये रहा खाने का होटल, इधर हम खाना खाएंगे, अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो भाई 5 बज गया और हमारी गाड़ी को जो दोपहर को होल्ट दिया था वो अभी चाय पी लिया इस होटल पे, देखिए भाई की होटल है यहाँ पर। और हमारे जाने का भी टाइम हो गया है, अभी इधर से निकल रहे हैं हम, वो खड़ा है हमारा गाड़ी, उधर खड़ा किया था 2:30 बजे आके ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत लग रही थी, धूप भी बहुत थी, इसलिए सोचा कि गर्मी में गाड़ी क्या चलती है, टायर उसी हिसाब से घिसते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हमने अपनी गाड़ी को हॉल्ट दे दिया था। और अभी 5 बज गए, निकल रहे हैं यहाँ से। तो भाई अभी 5 बज रहे हैं, मतलब ये शाम हो गई है, लेकिन अभी भी शाम के टाइम में भी गर्मी इतनी लग रही है, गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर अभी रख दे गाड़ी, थोड़ा और ऊपर आसमान क्या ठंडा हो जाए उसके बाद ही चलाए यहाँ से, लेकिन अभी क्या करे, पहुँचना भी दूर है मनाली, इसलिए अभी हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और मनाली में कल के दिन तो बर्फ़ हुई है, और कल की भी वीडियो आई थी, तो कल तो हो रही बर्फ़ हो रही थी 30 मार्च को। तो अभी इधर देखिए गर्मी कितना लग रहा है, कितना धूप इधर गिर रहा है, और उधर पहुँचेंगे तो बर्फ। हाँ तो खैर जो भी होगा देख लेंगे, अभी गाड़ी भर लिया, जाना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है चलिए निकल रहे हैं यहाँ से, वो पीछे एक छोटा सा होटल है, चाय भी पी आया वहाँ में। और अभी यहाँ से कर रहे गाड़ी स्टार्ट, और हमारे साथ जो है लाला भाई वो अभी सो रहा है गाड़ी में, क्योंकि पूरी रात उन्होंने ही गाड़ी अब चलाई है, मैं तो पूरी रात सो गया था, तो इसलिए चलिए अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो शाम होने के बाद अभी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है, गर्मी कम पड़ गई, तो अभी गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, वरना तो दोपहर को तो धूप इतनी थी गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने दोपहर को हॉल्ट कर दिया था गाड़ी। अरे शाम हो गई अभी, अरे हमारे साथी ड्राइवर है लाला भाई वो अभी उठे हैं, तो अभी सोच रहे हैं कोई चाय की होटल मिल जाए तो सबसे पहले चाय पिए, शायद आगे वो दिख रही है एक चाय की टपरी, चाय पी लेते हैं उधर, करेंगे चाय की टपरी। खुली है बंद है मालूम नहीं पड़ता है कि नहीं है, टपरी बनी हुई है नहीं है, बंद लग रही है, देखिए ऐसी ऐसी टपरियाँ होती है, बंद है। चलो आगे, यहाँ से आगे ऑटो तो बहुत आती है इस हाईवे पर, गर्मी वैसे गर्मी की सीज़न भी है, और ऊपर से हम राजस्थान में हैं, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। अरे ट्रेलर वाले भी देखिए दोपहर को रख दिया था गाड़ी, और जैसे शाम हो गई निकले है, अभी जा रहे हैं दबा के, तो हम तो अभी दबा के नहीं जाएंगे, अपना तो रेगुलर जो स्पीड रहता है उतने ही स्पीड्स में जा रहे हैं, 40-45-50।
बस इतने में ही 45-50 क्या करेगा भाई। 91 रुपया डीजल का रेट है और स्पीड में चलने में डीजल भी गाड़ी बहुत खाती है। इससे अच्छा आराम आराम से ही चलो, गाड़ी की सेफ्टी, टायर की सेफ्टी और डीजल भी कम खाए, एवरेज में चले गाड़ी। हाँ, अगर कोई टाइमिंग लोड रहता है, आपको जल्दी पहुंचना रहता है तो आप गाड़ी पकाओ, वो बात अलग है। लेकिन कोई टाइम नहीं है, आराम से ही पहुंचना है तो इतनी ही गाड़ी चलाए, 45-50 वही स्पीड हमारे लिए अच्छी है। ट्रेलर देखिए सभी दबा के जा रही है, भले उसको जाना है तो जाओ, हमारी तो जो स्पीड है उसी स्पीड से चलेंगे हम। शाम भी हो गई है, गाड़ी रखे कहीं, अगरबत्ती कर ले, भगवान को भी याद कर ले थोड़ा। ये टपरी आगे दिख रही है, वो भी शायद ऐसे ही है, बंद हो गई है। उससे आगे एक लाइट दिख रही है, वहाँ पे शायद होटल है। देखिए यहाँ पे खेती कैसे करते हैं, ये रही खेती की जमीन। गेहूँ किया है यहाँ पर, गेहूँ है ये शायद। अरे ऐसे ऐसे घर होते हैं देखिए राजस्थान में, रहा घर है ये। हाँ अभी चलिए निकले आगे थोड़ा, चाय की होटल मिल जाए, चाय भी पी ले और शाम हो गई, अगरबत्ती भी कर ले, भगवान को भी याद कर ले थोड़ा। तो भाई अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम अभी बीकानेर की साइड में पहुंचे हैं भारतमाला हाईवे पर। तो अभी खाना खाने के लिए रुके हैं, देखिए छोटा सा होटल है भारतमाला पे, तो ऐसे ही अर्ली होगी। तो इधर खाना वाना खा के निकलेंगे इधर से आगे, और ये भारतमाला हमको कहाँ उतरना है वो आइडिया नहीं है मेरे को कुछ। तो कोई गाड़ी वाला मिल जाए इस रूट का तो पूछ लूँगा उनसे भाई कौन सा रूट हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक भाई को कॉल किया था, वो भाई बोलता है चंडीगढ़ होके आना, इधर से हनुमानगढ़ बठिंडा, बठिंडा से चंडीगढ़ होके सीधा मनाली के लिए रास्ता जाता है। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट फ्रेंड्स।